मैं कुल सचिव महोदय जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री बिहार जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। मैं महोदय पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर एस अय्यप्पन पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कुलाधिपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल जी का स्वागत करें। अब मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, माननीय कुलपति महोदय जी का स्वागत करें। अब मैं आगे की कार्यवाही है तो कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय, अपरिहार्य कारणों से पंचम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने हेतु नहीं पधार सके। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो पत्र प्राप्त हुई है गवर्नर सेक्रेटरी बिहार से, मैं उसको आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। फ्रॉम विजय कुमार जॉइंट सेक्रेटरी टू द वाइस चांसलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग ऑथराइजेशन टू प्रेसाइड ओवर द कॉन्वोकेशन सेरेमनी शेड्यूल्ड ऑन 6 फरवरी 2019। सर, with respect to the subject mentioned above, I am directed to inform that due to unavoidable reason, it is not possible for Honorable Chancellor to preside over the convocation ceremony of the university scheduled on 6th February 2019. Under the circumstances, you are authorized to preside over the convocation ceremony. Atev Mananiya Kulpati Mahoday evam Mananiya Krishi Mantri, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करेंगे। श्रीमान कुलपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर महामहिम कुलाधिपति किसी कारण से नहीं आ पाए, मैं अपने कृषि मंत्री जी और अपने पूर्व में महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर एस अय्यप्पन जी और चांसलर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल को इस दीक्षांत समारोह में पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आप इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में कुल 238 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जा रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल 238 पदक धारकों में 139 छात्र और 99 छात्राएं हैं। इससे प्रतीत होता है कि छात्राओं का आकर्षण कृषि शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन छात्र छात्राओं को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं और दीक्षांत समारोह में सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया क्रमशः कृषि संकाय एवं पशु चिकित्सा संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एवं मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष कृषि संकाय एवं पशु चिकित्सा संकाय के उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एवं मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। सभी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एवं मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि प्राप्तकर्ता कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि वे उस उपाधि में सम्मिलित नहीं कर लिए जाते। मैं अधिष्ठाता कृषि संकाय महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्नातक कृषि ऑनर्स एवं स्नातक उद्यान ऑनर्स की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें।
माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष कृषि संकाय के उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें स्नातक कृषि ऑनर्स एवं स्नातक उद्यान ऑनर्स के उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। मैं अधिष्ठाता पशु चिकित्सा संकाय के अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बीवीएससी तथा एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें बीवीएससी तथा एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। मैं अधिष्ठाता गव्य प्रौद्योगिकी से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उस उपाधि से विभूषित करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि उन छात्र छात्राओं को जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जो संबंधित उपाधियों के योग्य पाए गए हैं परंतु दीक्षांत समारोह में भाग लेने में असमर्थ है, को भी क्रमशः उनकी विभिन्न उपाधियां उनकी अनुपस्थिति में प्रदान करने की कृपा करें। मैं सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को कुलपति द्वारा दीक्षोपदेश के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं दीक्षा देता हूं, सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो, अध्ययनशील रहो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो, कृषि के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्ययन करो, अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो, सत्य से विचलित ना होना, कर्तव्य से विचलित ना होना, उत्थान कार्य से विचलित ना होना, कल्याण कार्य से विचलित ना होना, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। पंचम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले स्वर्ण पदक एवं पीएचडी उपाधि धारकों से आग्रह है कि वे माननीय कृषि मंत्री, माननीय कुलपति एवं कुलाधिपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल से उपाधि प्राप्त करने की कष्ट करें। प्रवीण कुमार मिश्रा, हॉर्टिकल्चर पोमोलॉजी, बिमलेश कुमार मौर्या, अमित कुमार मिश्रा, कांचन भामिनी, स्मृति, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पीएचडी, कुमारी नेहा, गोल्ड मेडल प्राप्त करता, आपसे अनुरोध है कि आप आए। सपन कुमार, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, गोल्ड मेडलिस्ट। सौरभ स्वामी, बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, गोल्ड मेडल। त्रिस्मिता, एमएससी एग्रीकल्चर, गोल्ड मेडल। अब मैं बेस्ट टीचर अवार्ड्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद। मैं प्रोफेसर एस अयप्पन महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीक्षण भाषण प्रस्तुत करें। मैं सबौर पहले बार आ रहा हूं, यहां आने का एक सौभाग्य आज मिला है और वो भी सबौर विश्वविद्यालय का, जो आज हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी आए हैं। मैं आपको, बिहार सरकार को और आदरणीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी हूँ आप मुझे यहाँ बुलाए हैं। मैं सुबह आया, सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ, हमारे तो हरित क्रांति हम देखे हैं, श्वेत क्रांति देखे हैं, नील क्रांति महसूस किए हैं,
लेकिन आज ये पूरा प्रांगण में सुबह से मुझे देखने मिल रहा है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। पूरा जो स्टेज पे आप, मंच पे जो आप बैठे हैं, ये सुबह से ही ऊर्जा, जो एनर्जी देखने में मिला है, इसके लिए मैं खुद बहुत भाग्यशील मानता हूँ। और आज जो डिग्री और मेडल्स पाए हमारे छात्र छात्री, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपना भाषण प्रस्तुत करें। पौराणिक काल से ज्ञान की धरती का गौरव विक्रमशिला के आंचल में अवस्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बिहार कृषि महाविद्यालय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात रहा है। बिहार के कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2010 में सबौर में कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के महज 8 वर्ष में ही कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। को विशेष बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर पदक प्राप्त किया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आप कृषि क्षेत्र में लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य कर राज्य के कृषि के क्षेत्र में कृषि विकास को एक नया आयाम देने का काम करेंगे। जय भारत, जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान और जय मतलब विज्ञान, जय हिंद, जय बिहार। मैं कुलपति महोदय से आग्रह करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री एवं कुलाधिपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं कुलाधिपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। सभी खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल